जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शिव वर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम फिर से चलेंगे आदमपुर। आदमपुर आज मार्केट घूमेंगे हम। बाहर हाईवे की मार्केट देखेंगे, थोड़ी सी अंदर की मार्केट भी घूमेंगे और साथ में कुछ कॉलोनी भी घूमेंगे, अंदर घरों की भी सैर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा लो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक शेयर जरूर कर दो साथ के साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आदमपुर वही हुशियारपुर से 20 किलोमीटर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में। काफ़ी अच्छा खूबसूरत शहर है आदमपुर। तो चले करें शुरू। लो जी मित्रों, पहुंच गए आदमपुर। आदमपुर की आज हम बाहर की मार्केट देखेंगे, हाईवे की जो मेन रोड पर स्थित है। आदमपुर एक मीडियम साइज का शहर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं। ये गुरुद्वारा साहब बने हुए मेन रोड पे। बसें वगैरह सारी मेन रोड पे आके रुकती हैं, या फिर बस अड्डा तो है लेकिन थोड़ा सा अंदर को है, बसें सारी मेन रोड पे रुकती हैं। आदमपुर में वही आप ट्रेन से आ सकते हैं, बाई एयर आ सकते हैं जहाज़ से, और आप जो है अपनी टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से भी आ सकते हैं। ये फ्लाईओवर बन रहा था कम से कम 7-8 साल से, अभी तक बना ही नहीं है। अगर जो फ्लाईओवर बन जाता तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या हल हो जाती, यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या बनी जाती है। आदमपुर में आपको मॉल, बड़ी शॉप्स वगैरह सारी दुकानें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लिनिक, स्कूल, हॉस्पिटल सब इधर मिल जाएगा आपको, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पूर्ण रूप से संपन्न शहर है ये। ये जाती है सड़क बस अड्डे को, ये साथ ही बस अड्डा है अंदर की तरफ। आदमपुर की ज़्यादातर मार्केट जो है मेन रोड पर स्थित है। काफ़ी पुराना शहर है जी ये, देखिए फ्लाईओवर बनना था, बने नहीं अभी 7-8 साल से, ऐसे कैसे काम लटका हुआ है। अकालियों के टाइम में शुरू हुआ था जी, और अब देख लो अभी तक नहीं बना जी। आदमपुर के लोग और आसपास के जो गांव के लोग हैं सब लोग इधर ही शॉपिंग करते हैं, कोई जलंधर या हुशियारपुर शॉपिंग करने नहीं जाते, सब इधर इधर से सब कुछ मिल जाता है और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाता है। ये हम जा रहे हैं जलंधर सिटी की तरफ, और ये सामने जो है रास्ता, ये जलंधर सिटी को सीधा निकल जाएगा, वहाँ से फिर अमृतसर, कपूरथला, नकोदर और भी कई शहरों में आप जा सकते हैं वहाँ से। और ये पीछे जो सड़क है ये हुशियारपुर साइड है, यहाँ से जो कारें आ रही है ये हुशियारपुर साइड है, और ये सीधा जा रहा है जलंधर सिटी की तरफ।
ये सरकारी हॉस्पिटल है जी, यहाँ का सारी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ आपको, जितने भी आसपास के गांव हैं या हम आदमपुर के लोग हैं वो इधर से सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ले लेते हैं और तकरीबन मिल भी जाती है इधर से सब। ये है जी सरकारी हॉस्पिटल। और अभी हम चलते हैं घंटाघर मार्केट, ये थोड़ा अंदर की तरफ है और काफी छोटी मार्केट है पतली। रखड़ी का त्योहार आने वाला है 30 तारीख को। ये देखिए, ये रखड़ी का त्योहार आने वाला है इसलिए रखड़ियाँ सब सजा रखी है दुकानदारों ने। आज 22 तारीख हो गई है और 30 तारीख को रखड़ी है, तो जो कि सब रखड़ियाँ सजी हुई हैं दुकानों पे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज तो गर्मी ने धुआं निकाल रखा, सारे कपड़े गीले हो गए अंदर बाहर के, सब इतनी पसीना आ रहा है। ये मंदिर है जी, देवी माता का मंदिर है जी, ये घंटाघर मार्केट में पड़ता है। ये सारी मतलब आदमपुर की मेन मार्केट ही आप कह सकते हैं, इसकी मेन मार्केट है। यहाँ पर ज़्यादा आपको कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह, बर्तनों की दुकानें और मोबाइल शॉप वगैरह इधर मिलेंगी ज़्यादा आपको। इसे बोलते हैं घंटाघर मार्केट या छोटी मार्केट भी बोल देते हैं कई लोग। यहाँ दर्जी वगैरह भी काफ़ी हैं क्योंकि कपड़े की दुकानें भी सारी आसपास ही हैं। अभी लंच टाइम है तो दुकानदार सब खाना खा रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम है। रहने की दुकानें भी इधर मिल जाएंगी आपको। ये देखिए सबके रहने की दुकानें भी हैं, ये कपड़े की दुकानें हैं, सब बेकरी वगैरह भी है सब, और सब इधर मिल जाता है। इस मार्केट की मेन मार्केट है यहाँ की, शूज़ वगैरह लेने आप ले सकते हैं। ये प्लास्टिक का सामान को चाहिए घर के लिए, क्रॉकरी वगैरह इधर मतलब सब कुछ है इस बाज़ार में। छोटा शहर है, सब कुछ है इधर मिलेगा, कोई कमी नहीं है शहर के अंदर, मतलब बड़े शहर से कम नहीं है ये। लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस आ रहे हैं, हेल्पफुल लोग हैं। मेन काम है उनका यही है, दुकानदारी नौकरी पेशा है, या फिर कुछ लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, और इनमें से कई लोग NRI भी है जो बाहर गए हुए हैं विदेशों में, जो काफ़ी देर से बाहर रह रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे हल्का बटन दबा लो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर दो, साथ के साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो। अगर आपके सब आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डरिए मत और चैनल को ज़रा निडर होकर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल फ्री है। देखिए सारी कपड़े की दुकानें हैं इधर, ज़्यादा इधर कपड़े की दुकानें और रेडीमेड गार्मेंट्स वगैरह हैं इधर इस बाज़ार में।
इधर भी ये सारा वही बाजार है, घंटाघर मार्केट ये सारी। मंदिर की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये है जी शिव मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जी शिव मंदिर। ये भी मीन बाजार में ही है। और आगे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी इस टाइम तो बंद होगा, दोपहर का टाइम है, सुबह शाम खुलता है। ये है जी श्री हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर जो है अभी तो ये बंद होगा, सुबह शाम खुलता है जी। बहुत खूबसूरत मंदिर है, कई बार यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है जी, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, अच्छा है, क्लीन है, साफ सुथरा है। तो लो जी अब हम थोड़ा सा दूसरी साइड की तरफ आ गए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा मोहल्ला घूमते हैं आदमपुर का। ये है जी रैया मोहल्ला, इसे रैया मोहल्ला कहते हैं। साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन है, गली भी पक्की है, देख लीजिए कोई गंदगी नहीं है। यहाँ पर मिडिल फैमिली के लोग ज़्यादा रहते हैं। कई लोग कहते हैं थोड़ा गलियाँ घुमा दिया करो, थोड़ा मोहल्ले वगैरह दिखा दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मोहल्ला दिखाते हैं आपको। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं मोहल्ले में बनी हुई, जो होती हैं जैसे डेली नीड की जरूरत, जैसे करियाना में बेकरी वगैरह, कन्फेक्शनरी वगैरह की दुकानें हैं इधर बनी हुई काफ़ी, जैसे दूध, ब्रेड, अंडे वगैरह की डेली ज़रूरत होती है तो लोग यहाँ से खरीदते हैं। बच्चों को स्कूल की छुट्टी हो गई, दोपहर से घर आ रहे बच्चे सब। ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको पूरे मोहल्ले में मिल जाएंगी। रैया मोहल्ला कहते हैं जी इसे, रैया मोहल्ला है, काफ़ी पुराना है ये। जैसे ये देखिए मोहल्ले में छोटी छोटी किराने की दुकानें होती है ना घर के आसपास, जैसे कोई ज़रूरत हो तो बंदा सामान ले लेता है, वैसी दुकानें हैं यहाँ पर। ये कोई सरकारी अफसर है जी, प्राइमरी शिक्षा विभाग अफसर है जी, ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अफसर। और ये पानी की टंकी है जी, आदमपुर के प्राइमरी शिक्षा अफसर है जी। ये सारी गलियां ऐसी एक दूसरे के बीच में से निकलती हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको अपनी गलियाँ याद होती हैं, जो बाहर से आते हैं वो ढूंढते रहते हैं किधर जाना है। आदमपुर काफ़ी बड़ा हो गया, पहले काफ़ी छोटा सा था। जब मैं यहाँ बचपन में आया करता था तो ये सारा कच्चा ही था, अब तो यहाँ इंटरलॉक टाइलें लग गई हैं, मतलब कि गलियाँ चौड़ी भी हैं यहाँ।
यहाँ लेबॉर्टरी भी है जी, वर्मा लेबॉर्टरी मोहल्ले में, कोई टेस्ट वेस्ट कराने हो तो इधर आप करा सकते हैं। मोहल्ला बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है यहाँ पे, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा एंड क्लीन। ये देखिए एकदम शांत वातावरण, आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट जरूर कर दिया करो। देखो ये सारी गलियां इस मोहल्ले की है जी, कैसा लगा वीडियो बताना जरूर, कमेंट जरूर करना। वहाँ सामने तक चलते हैं, देखते हैं कैसा वहाँ तक। वही डेली नीड की दुकानें हैं जो मतलब होती हैं मोहल्लों में, जैसे किराना मनियारी वगैरह और कन्फेक्शनरी की बेकरी की दुकानें सब वही हैं जी। तो चलते हैं घर वापस, शाम हो गई है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे आल का बटन दबा लो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक और साथ के साथ शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो भी वीडियो देखें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं फिर जल्दी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।